सभी श्रोताओं को मेरा राम राम सा। तो आज आपने कहानी सुनावा बोला तो मरा तो कई हो बबलू सिंह जी। अरे के इरो अर्थ है के एक राजा साहबा। हाँ साहब, राजा साहबा तो बबलू सिंह जी राज कर, और राजा साहब रे कोई बात री की कमी ही को आगो दियो पाचो पड़तो बे माता को दो दलती चांद सूरज रसोड़े तपता। वाह, एकू की गड़ी लाख लाख री काटता। तो बबलू सिंह जी धन माया सब बात रा थाट। अरे पर एक बात री बबलू सिंह जी कमी। हाँ सर, तो वह काई कमी बताओ। राजा साहब रे बबलू सिंह जी संतान को। अरे जन संतान नहीं है जन बबलू सिंह जी सब बात री कमी हो। अब वह माया आवे तो बिने माया रो बिने काम में लेनी होनो चीज। तो लड़को नहीं हो जने राजा साहब ने बड़ी चिंता है। अरे तो ये बबलू सिंह जी राजा साहब चिंता करे हे भगवान एक मने लड़को या लड़की संतान दे दे तो भगवान आप रे करे कोई कमी है को ए यूं विलाप। तो भी राजा रे नगर में बबलू सिंह जी एक गरु और गरु रे दो चेला। हाँ सा बे बटे भी राजा रे नगर में आ एन दुनी दुकान बैठ गिया एन गरु बटे माला पे। हाँ सा और भगवान रा सुमरन कर नाम लेवे और चेला बबलू सिंह जी गांव में जावे और फेरी लगा। हाँ सा फेरी लगावे जो को बाने कोई मुट्ठी आटो गाले कोई आधी मुट्ठी गाले। अब वे दोनों चेला भी गांव मु आटो ला एन गरुरी सेवक बस डिब्बावे। अब बबलू सिंह जी ओ प्रोग्राम बाने चाले। अरे जाने राजा साहब ने पतो लागो के गुरु और दो चेला है वड़े। तो आपा चला संत महात्मा है। अरे और पुगोड़ा पुरुष है सिद्ध पुरुष है सिद्ध पुरुषा करने आला तो आपने कीन की वचन दे दे। एवं कारण बबलू सिंह जी राजा साहब तू आपरे घरों रवाने हो गया है। अब 61-62 लपाक लिगतर काती पचे मिंग सारे 61-62। अरे अब तेष्ट माते डंखा बाजे है। अब बबलू सिंह जी हाथे 5-7 आदमी हाजरिया और संतरी क्यों राजा साहब सैनिक ले लिया। अब वे रस्ते रस्ते चल। हाँ सर, अब हमारा चेला आज को बबलू सिंह जी गांव रे मैंने फेरी लगो ने घोड़ा और गरु बटे तपस्या तापे। हाँ सर, अब गरु तपस्या तापे और राम जी रा सुमरन करे। अरे जेड़े राजा साहब जाय पूग किया है। राजा साहब जा एन बबलू सिंह जी दंडोत प्रणाम करी। अरे और बे गरु जो कुबा ने आशीर्वाद। हाँ सर, क्यों आओ राजन क्यों आया सा संत महात्मा और मैं आप रे शरणे आया और माने आप कुछ आशीर्वाद दे। हाँ सा क्यों बोलो राजन क्यों संता परमात्मा मैं आप एक ही अर्ज कर। अरे और दूजी अर्ज करा को नहीं और लारली मारे कोई बात री की कमी है को नहीं। क्यों राजन बोलो कहरी कमी क्यों संत महात्मा मारे एक लड़को लड़की आप दे दो वरदान तो मारे सब बात रा सुख हो जाए। गरु क्यों राजन आप रे इबो में योग है को। अरे संतान आप रे ही जन्म में लिखी है को कोने। तो मैं आगे राजन बोले कर क्यों के गरु
वचन झूठा जावे कौन कोने क्यों फूगोड़ा पुरुषा और संत झूठ करते ही बोले एवगण बोलो सिंह जी कायदे रहते ही करी और संतों वार्तालाप करी। हाँ सर। तबे राजन तो बोलो सिंह जी मुंडो उतार एन फाचा रवाने हो गया उदास पड़गा चेरावा ते उदासी आई और अब वे पग आगे दरे गरामी पण पग लिया पाचा पाचा पड़े मन फिको पड़गो मन फिको एगो की ओरे अब पुगोड़ा पुरुष और भगवा वेश ए भी केवे के आपरे संतान लिख्योड़ी है को कोनी चलो भगवान री मर्जी है जो ईश्वर करेगा वही होएगा। आशा एवं बबलू विचार करन में राजन बेवे एम साते संतरी और हाजरी अरे अब बबलू सिंह जी वे चेला फेरी मांग हम ही रस्ते रस्ते राजन रे आवे अरे अर्नु तो वे चेला आवे और अर्नु राजन री बा टोली री टोली पे अवे राजा साहब ने देखिया अनबे चेला दोष आगे और राजा ने देखिया क्यों राजा रो चेहरो को छानो नहीं रे। आशा और ए चेला ने देखिया एन राजा साहब चेला ने दंडोत प्रणाम करिया दंडोत प्रणाम करिया न क्यों कहां गया राजा क्यों आप संता का नहीं किया। आशा आप रे गुरुक और गुरु वरदान मांगने गए अरे क्यों कहनो क्यों मारे लड़का लड़की तो आपने काई वचन आशा क्यों योग लिख्योड़ो को कोनी वो एक चेलो क्यों राजन क्यों सोच करो एन आप चिंता मत करो एन आप रे नमे मिने लड़को चल अरे जाओ आप मारो वचन एवं गण बोलो सिंह जी वो चेलो जो वो वचन दे दियो अब दूसरो चेलो ए दोनों यहाँ पर वचन दे एन बबलू सिंह जी दोनों रवाने हो गया है राजा बड़ा राजी है कि ओरे गुरु तो कहवे के लड़को लिख्योड़ो कोनी एन ओ कहवे के लड़को नवे बिने चल आस बंदी अब की चेहरा माते रौनक आई आई है अब बबलू सिंह जी ये चेला दोनों ही गया बट जने वो वचन दियो जो को चेलो तो की गुरु ने कियो को कोनी वो दूजोड़ो चेलो बोलियो जान गुरु ने की। हाँ सा क्यों गुरु जी राजा साहब आप कने आए अरे तो राजा साहब आपको नु कई मांगी क्यों राजा साहब कोई बच्चा रो वरदान मांग संतान मांगी तो मने इस जन्म में इरे संतान कोई दिखी को अरे जन मैं तो इन्हें मना कर दीवी ही चलो क्यों गुरु जी था तो मना कर दी पण मारे वो साथी भाई है ओ भी राजा ने वचन दे कियो गुरु कियो वचन दे दियो पण इरे तो है कोनी जन्म में तो लड़को लिख्योड़ो यो कोनी योग है कोनी ने ही कट कियो वो कटे साथी भाई थारा बुलाए अरे अब बबलू सिंह जी भी ने साथी भाई ने बुलायो अब वो मोड़ो मोड़ो मिर्चरा मती उदस्य आई। हाँ सा कियो गुरु तो कियो इरे लड़को ही वे कौन एन आपा जो को इन्हें वचन दे दिया वचन झूठा पड़ जाए एन गुरु अपने में कहीं के अरे यूं करन बे चलो चिंता करे है अब जान हाजरी हो क्यों रे चेला भी राजा ने कई वचन दी। हाँ सा कियो गुरु वचन में तो यूं के राजा उदास और मैं देखियो राजा रे चेहरा माते उदासी है एन गुरु कह दियो के थारे संतानी बो में है को होनी जन में आरे जजगी में क्यों रे चेहरा माते उदासी है एन कहना में कहीं लागे तो मैं तो राजा साहब ये साबू के दियो हो क्यों रे अपा भगवा बेस संत महात्मा भगवान भगवान रा नाम ले झूठ कोनी बोला अपा अपा झूठ बोला तो पाप लगे अरे ए नापानो भगवा बेस रो खोलियो
यूं आपा लोगा ने झूठा बचन दे दो लागे दे अपने पाप लाग हाँ सर और अपने संत कोई बनी जन कही रे संतो हाव झूठा बचन ही काट अरे इन झूठा बचन देवे बना बचन पार जावे को कोनी विश्वास उड़ जाए एन अपनो संत लोगा रो विश्वास जातो रे अबे चला थने ई राजा रो लड़को बनो पड़ अच्छा अब थने दोबारा जन्म लेनो पड़ी एन राजा री संतान बननी पड़ अरे चलो की होवे गुरु जी अब आप रींचा आएगी और तो लेनो ही पड़ अच्छा एन मारू जको गुरु जी बचन निकल गियो हो एवं गण बोलू सिंह जी वो चेला रो दूसरो जन्म अच्छा तो भी राजा रे राजा साहब रे लड़को जलमी अरे अब लड़को जलमी हो जन बड़ाई बबलू सिंह जी राजी आशा अबे बहुत मंगल अब सक्या मंगल गावे और बबलू सिंह जी बहुत ही क्यों राजा रे काशा सालों लड़को ही कोट करे है बहुत ही नगर में कोट करे बड़ो उछावी अरे अरे यूं करता करता बबलू सिंह जी कहनी जड़ू जवान बेगुईज अब लड़को के बबलू सिंह जी धीरे 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 मोटो हो गियो है अबे बबलू सिंह जी लड़को बड़ो ही हो तो अबे ढाई तीन साल रो बोलनो शुरू हुए एकदम किले हाँ सर अब वो लड़को बोले नहीं तो बबलू सिंह जी राजा रे बा चिंता लाग कीवी है कि ओ लड़को तो गुरु जी दियो चलो लड़को तो एगो पण लड़को तो गुंगो ही अरे एन लड़को बोले को कोनी और रंग रूप में लड़को बढ़िया और कोई बात री कमी है को कोनी है पण की बोले कोनी जन नहीं बोले जन भाई अगली जे रूप बढ़िया है तो इकी काम को कोनी बेजुबान है बेजुबान एवं गण बबलू सिंह जी अब वो लड़को औरों काशो बड़ो ही अरे बड़ो ही हो जन बबलू सिंह जी राजा साहब सेना समझना वेद डॉक्टर अब इलाज करा आसा इलाज करावे तो ही बबलू सिंह जी वो लड़को बोले को कोनी अब जित कितनी मेहनत करनी ही कोशिश कर ली पूरी कोशिश करी तो ही वो लड़को बोले को कोनी एवं गण बबलू सिंह जी राजा तो ने छोकर अरे कियो अबे आपा डॉक्टर ने दिखाई दियो और वे जी बुलाई लिया झाड़ा चपटा दिराई दिया तो ही लड़को तो बोले को नी अबे एक दिन बबलू सिंह जी बठारा ए संतरी मंत्री और आजरिया अरे ए क्यों रे इन कांकड़ में ले जावा घुमाऊं आसा जंगल में ले जावा जने कोशिश कर बोलो उन आसा जने इन्हें कींदी खावा जिन्नौरे और कोई भी पक्षी जने वो इन्हें कहवा देख वो जने वो बोल भी सक आसा एवं गण बबलू सिंह जी बिने जंगल में ले गया है अबे भी जंगल में बबलू सिंह जी के कोई पक्षी ने खत्म करने वास्ते बबलू सिंह जी कोई बेबटे बैठ शिकारी अब वे शिकारी शिकार करने वास्ते इंतजार कर अरे पक्षियां आसा अब बाण में पक्षी बबलू सिंह बहुत होशियार अरे बे शिकारी ने देखे जन वे नेड़ा नेड़े पक्षी ठब्बे को कोनी एन जे नेड़ा नेड़ा ठब्बे तो बबलू सिंह जी बोले कोई कोनी एन बोले तो भाई शिकारी बोलते ही बे तीर कबाण छोड़े जने पक्षी मर जावे तो ए पक्षी बबलू सिंह जी बे शिकारी रे कारण एक ही बोले को कोनी एवं कारण बबलू सिंह जी अब भी लड़करी कोशिश कर आसा अब वे संतरी मंत्री हाथे आला हाजरिया बड़ी कोशिश कर अरे
तो ही बबलू सिंह जी जबान वो तो लड़को खोली को ओनी। अब यूगण बबलू सिंह जी एक पक्षी, अब वो ध्यान करियो कौन। अरे एन के बबलू सिंह जी बिनी पक्षी आवाज आई। हाँ सर, पक्षी आवाज आई बबलू सिंह जी एन के वो शिकारी की ओर पक्षी बोले। एन के बबलू सिंह जी वो लड़को बोलियो। अरे क्यों बोला तो मरा। हाँ सर, एवं गण बबलू सिंह जी कह वे संतरी मंत्री बड़ी राजी किया है। क्यों लड़को बोल गियो, लड़को बोल गो। हाँ सर, अब बबलू सिंह जी एवं गण बबलू सिंह जी भी लड़का ने राजी राजी बे आदमी संतरी मंत्री फाचो राजा रे दरीका ने लेना किया है। राजा साहब ने एक जान कियो, राजा साहब बधाई दो, राजा साहब बधाई दो। अरे लड़को आपरो जंगल में बोल गियो, मारी कोशिश काम आएगी। एर मारी कोशिश तो काम आएगी है। राजा साहब कियो मानू कौन। अरे सभा जुड़ी है, सभा में लड़का ने बोला आशा जन माना ए नित्र माना को ओनी। एवं तो आप सगड़ा झूठ बोल देवला। एवं गण बबलू सिंह जी अबे सभा रे माए पूरी सभा बैठी, एन मिने लड़का नहीं सभा में ले आ किया है। एन क्यों बोला वो लड़का ने। एन के बबलू सिंह जी वे हगड़ाई ले गया संतरी मंत्री, एन भी लड़का री कोशिश। अरे अब लड़को बबलू सिंह जी बोले वो कौनी। राजा की ओर हा वड़ाड़ झूठ बोलो, एन मन ही गैल सपो बनाओ। अरे एन था के वो के वो लड़को बोल गो, और मैं इनाम राखियो 1,00,000 रुपया रो जन था देखो को मैं इनाम ले लेवा। यूं गण बबलू सिंह जी राजा कियो ए झूठ कौन बोलिया। अरे जगह नेड़ा हो एन जाओ जलाला आ आदमिया ने पासी दे देवो। पासी रो नाव लियो बबलू सिंह जी इनके वो लड़को बोलियो। अरे बोला तो मरा। आशा एन के वे हगड़ई राजी है, एन राजा साहब भी विचार करी क्यों रे लड़को बोल गियो है। लड़को बोलियो बबलू सिंह जी राजा विचार करियो रे कुछ कोई चीज अलग है। आस तेनो के बोला तो मरा। अरे राजा साहब क्यों रे राजकुंवर आपने सोई को ना मार, आप बताओ ए डरो मत। अन्नो का शब्द कहीं बोलो हो। अब आपको बोला तो मरा, अब माने ही चीज उठा पड़े को ओनी। ओ लड़को राजकुंवर बबलू सिंह जी क्या वो बोलनो शारू ही हो। अरे क्यों बिता जी क्यों भाई राजकुंवर क्यों बिता जी आप मारा पिताजी। हाँ सर, पर पिताजी आपने मैं झूठो वचन दियो। हाँ सर, भी खतर आप मारा पिताजी हो, पर मैं वो ही साधु जो को आपने मैं वचन दियो। चलो हो वो मैं झूठ बोलियो। अरे जने मने दोबारा जन्म लेनो पड़ियो। क्यों के मैं आपने वचन दे दियो, एन मारो वचन खाली जावे जन संता ने कोई माने को ओनी। मारा गुरुजी नाराज है का। एवं गण मैं तो आप रेट आयो एन राजा साहब, अबे चुपचाप रहता जन मैं दोबारा जन्म मने लेवनी जरूर थी को ओनी। पर भाई मारी जबाल हचड़ी री को। अरे जन मैं आपने कह दियो के आपरे लड़को जन। हाँ सर, तो राजा साहब मैं जंगल में बोलियो तो कारण कारण कही राजा साहब शिकारी पक्षी मारे। हाँ सर, पक्षी मारे जन पक्षी बड़ा समझना। अरे पक्षी भी शिकारी ने देखन बे डरता कट्टी बैठा जटे घूमेन बैठ जाए बोले कोनी चुपचाप रे। अरे चुपचाप रे वे जने शिकारी हटके तीर कबाण आपरो छोड़े को कोनी। आवाज रे साथ में तीर छोड़े शब्द पेती बाण
शब्द वेदी बा। तो वे चुपचाप बेटा एक पक्षी बोला में बोल गियो हो बोल गो जने राजा साहब भी पक्षी ने वो शिकारी खत्म कर दियो हो। जन में बोलियो के बोला तो मरा। अरे क्यों के वो बोलियो जने मरियो नहीं नहीं मरतो। अबे राजा साहब आपने मैं वचन दियो जन मने जलम लेनो पढ़ियो हो। अबे राजा साहब आप आदमिया ने पासी देवत क्यों जंगल में मैं बोलियो भी कारण ने झूठा हाकुन कोनी एन अटे आपा ने झूठा मान ली। अरे थान दोष लागे तो एन आप क्यों पासी देम। अरे तो राजा साहब मने तो पासी रे कारणों बोलनो पड़ी। अरे जन में क्यों बोलना तो मरा। हाँ तो यूं बबलू सिंह जी तो चुपचाप हमेशा भगवान रो नाम है कोई भी काम है ना वो चुपचाप करनो चाहिए। अरे बिना हिसाब री बात करे जने आदमी में फोड़ा पड़े हैं।